हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग को जेनेटिक्स यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के हम फिर से क्वेश्चन करवाएंगे। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसके 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है मेंडल्स लॉस्ट लॉ। यहाँ पे पूछा है मेंडल का लॉस्ट लॉ क्या था। इसमें बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज कर जाते हैं, तो हम आपको बताएंगे मेंडल का लॉस्ट लॉ क्या था। तो ऑप्शन ए सेग्रीगेशन, ऑप्शन बी डोमिनेंस, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड ऑप्शन डी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। गाइज, यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। मेंडल का सबसे लॉस्ट लॉ है यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल का ये आखिरी लॉ था और मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। आपको इसे राइटली याद कर लीजिएगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है मेंडल का सबसे आखिरी लॉ है, यानी लॉस्ट लॉ है। और क्वेश्चन नंबर 2, द एलील विच इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा एलील जो किसी के प्रेजेंट होने में अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता, तो ऐसे एलील को हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन आपको राइट चूज करके बताना है। तो ऑप्शन ए कोडोमिनेंट, ऑप्शन बी सप्लीमेंट्री, ऑप्शन सी कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑप्शन डी रिसेसिव। तो गाइज, यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट हो गया, रिसेसिव। ऐसे एलील जो किसी के प्रेजेंट होने पे अपने इफेक्ट को शो नहीं कर पाते, ऐसे एलील को हम रिसेसिव कहते हैं। रिसेसिव मतलब ही होता है खुद को, मतलब सप्रेस कर लेना, किसी के प्रेजेंट होने में अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाना, तो ऐसे को हम रिसेसिव बोल रहे हैं। रिसेसिव जो एलील होता है उसको हम स्मॉल लेटर से प्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट जेनेसिस्ट या फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे। तो यहाँ पर पूछा था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे। तो ऑप्शन ए डिवरीज, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी डार्विन एंड ऑप्शन डी मॉर्गन। तो गाइस, यहाँ तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया, मेंडल। मेंडल जो थे ये फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। ये क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमन और बहुत ही ईजी है। और मेंडल जी का जो नाम था, वो पूरा नाम इनका ग्रेगर जॉन मेंडल था। इन्होंने इनहेरिटेंस की थ्योरी को भी दी थी और इन्होंने लॉ ऑफ हेरेडिटी को भी फॉर्मुलेट किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि इन्हें बहुत सारे काम थे। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ए फैमिली ऑफ 5 डॉटर ओनली इज एक्सपेक्टिंग 6 इशू, द चांस ऑफ इट बीइंग सन इज। तो ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 50% एंड ऑप्शन डी 100%। यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, 50%। यहाँ पे 50% चांस होंगे बेबी बॉय होने के, क्योंकि जो ह्यूमन का क्रोमोसोम होता है वो 22 पेयर्स होता है। एक्स वाई जो है फीमेल में होता है और एक्स एक्स मेल में होता है। तो जब ये दूसरों में एक दूसरे से क्रॉस करेंगे तो 1:1 का रेशो आएगा, इसलिए यहाँ पे चांस 50% बनेगा बेबी बॉय का या फिर बेबी गर्ल का। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ए पर्सन विथ 6 क्रोमोसोम एक्स एक्स वाई सफर्स फ्रॉम। तो यहाँ पे एक पर्सन दिया है जिसमें 6 क्रोमोसोम एक्स एक्स वाई है, ये किस बीमारी से सफ़र करता है। तो आपको यहाँ पे आंसर राइट चूज करके बताना है। क्वेश्चन नंबर ए गैनेंड्रोमॉर्फिज्म, ऑप्शन बी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन सी डाउन सिंड्रोम एंड ऑप्शन डी टर्नर सिंड्रोम। तो गाइज, यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, इसमें जो पर्सन होता है इसका 6 क्रोमोसोम एक्स एक्स वाई होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो गया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ऐसे सारे क्वेश्चन जो थे, आपको इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर से करनी है। जेनेटिक्स यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बाय बाय।